उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा जिले से हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। यहाँ ग्रेटर नोएडा में एक ऐसे शख्स को गिरफ्तार किया गया है जो कि अपने ही फ्लैट में गांजे की खेती कर रहा था। पुलिस ने शख्स को अवैध रूप से गांजा उगाते हुए पकड़ा है और गिरफ्तार भी कर लिया है। इस घटना के सामने आने के बाद हर कोई हैरान है कि इतने लोगों के बीच शख्स इतनी आसानी से कैसे इस अपराध को अंजाम दे रहा था। 6 महीने से गांजा उगा रहा था शख्स। मंगलवार को पुलिस ने इस घटना के बारे में जानकारी दी है। पुलिस ने बताया है कि ग्रेटर नोएडा का एक व्यक्ति 10वीं मंजिल पर स्थित अपने फ्लैट में गांजा उगाते हुए पकड़ा गया। आरोपी का नाम राहुल चौधरी है और वो उत्तर प्रदेश के ही मेरठ जिले का मूल निवासी है। पुलिस की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक आरोपी राहुल चौधरी अपने फ्लैट में खेती की अत्याधुनिक व्यवस्था के साथ भांग उगा रहा था। पुलिस ने बताया है कि आरोपी के अपार्टमेंट से गांजे के 80 पौधे और 2 किलोग्राम से ज्यादा भांग भी जब्त की गई है। पुलिस के मुताबिक आरोपी को बीटा 2 क्षेत्र P3 गोल चक्कर के पास गिरफ्तार किया गया। दिल्ली से 787 किलो गांजा हुआ था जब्त। इससे कुछ दिनों पहले ही दिल्ली के स्वरूप नगर इलाके में पुलिस ने एक व्यक्ति को पकड़ा था जो कि कथित तौर पर ट्रक में 787 किलोग्राम गांजा छिपा कर ले जा रहा था। देखिए अभी की क्राइम की खबर। ऐसी तमाम अपडेट्स हम आपके लिए लाते रहेंगे। जुड़े रहिए इंडिया टीवी के साथ।